नमस्ते दोस्तों, केम छो मजा मा। मैं संजय न्यूटेड गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए मेरे एडेनियम में फ्लावर खिल चुका है, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। और आज मैं आपको रेओ प्लांट के बारे में जानकारी दूंगा, इसकी प्रोपोगेशन के बारे में, केयर टिप्स के बारे में, और उनमें बारिश में आने वाली समस्या के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए, ये मेरा रियो प्लांट है जो मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ प्लांट है। और देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत, इसमें दो आती है, एक वेरीगेटेड और ये अलग। वेरीगेटेड में क्या है, थोड़ी सी पत्तियाँ और खूबसूरत रहती है, और दिखने में तो ये भी बहुत खूबसूरत रहता है। और एक हाँ, हैंगिंग बास्केट में भी आप लगा सकते हो और गमले में भी लगा सकते हो, दोनों तरीके से आप इस प्लांट को लगा सकते हो। ये मैं लेके आया था, छोटी सी एक कटिंग लेके आया था इसके जैसे, देखिए तो इससे कितना पूरा घना हो गया है, और काफ़ी सारे प्लांट मैंने निकाल दिए। तो अब इस टाइम बारिश में क्या समस्या आती है, तो सबसे पहली समस्या आपको बताता हूँ कि इसमें ज़्यादा पानी गिरने की वजह से देखिए इसकी पत्तियाँ ऐसे सड़ जाती है। तो आपको क्या करना है, जैसे ऐसी पत्ती हो जाए तो निकाल दीजिए, देखिए इस तरह से निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि अंदर ज़्यादा पत्ती ऐसी रहेगी तो ज़्यादा फंगस करेगी। तो इसको फिर ये देखिए पूरा हटा दीजिए, जहाँ से आपको पत्ती के ऊपर फंगस दिखे ये पत्ती ऐसे तोड़ के हटा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका प्लांट अच्छा भी दिखेगा और जल्दी ख़राब भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे नीचे नीचे वाली पत्तियाँ ज़्यादा हवा नहीं लगती, इसी वजह से क्या है कि पानी गिरने की वजह से थोड़ी ख़राब हो जाती है। ये पत्तियाँ निकालने से प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से आप इस प्लांट को हेल्दी बनाए रख सकते हो। और अभी हमारे यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है, देखिए इसकी प्रोपोगेशन की बात करूँ तो प्रोपोगेशन के लिए आपको कहीं भी ये प्लांट दिखे तो देखिए इस तरह से, देखिए प्लांट में छोटी छोटी ब्रांच नीचे से निकल के आती है टेरों पर। मैंने एक लगाया, एक में से देखिए पूरा कितना ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ छोटी छोटी ब्रांच आपको मिले तो लाके आप प्योर रिवर सैंड जो आती है नदी की रेत, उसमें लगाइए इस टाइम। तो क्या है कि कटिंग आपकी जल्दी सड़ेगी नहीं, गलेगी नहीं, तो उसमें लगाइए। लगते एक हफ्ते 10 दिन में इसमें रूट्स निकल के आ जाती है। इसके बाद आप इसकी सॉइल बनाए, जिसमें एक हिस्सा रेत लीजिए, एक हिस्सा नॉर्मल गार्डन सॉइल, और एक हिस्सा खाद मिला के इसकी मिट्टी तैयार कीजिए और इसको लगाइए। तो आपका प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा और अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार होगी इसकी, क्योंकि मिट्टी में पानी रुकता है तो भी ये प्लांट ख़राब हो जाता है, इसको ये गल जाता है। और इसके सनलाइट की बात करूँ कि कैसे, तो इसको लगभग 2-3 घंटे की धूप मिले ऐसी जगह पे रखिए, तो आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेगा। और हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत आसानी से ये चल जाता है, हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए एक परफेक्ट प्लांट है और दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो नर्सरी में आप इस प्लांट को लेने जाओगे तो हमारे यहाँ 20 से 30 रुपये में मिल जाता है, जैसे एरिया वहाँ वैसी प्राइस रहती है इस प्लांट की। बाकी तो ये प्लांट इतना महंगा नहीं मिलता, आप कहीं जाओगे किसी घर पे तो ये प्लांट आपको दिखे तो बहुत टेरो हो जाते, तो वहीं से लाके भी आप लगा सकते हो इस प्लांट को। खाद की बात करूँ तो आप इस प्लांट को महीने में एक बार मुट्ठी भर के वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, किचन वेस्ट जो भी आप यूज़ करते हो अपने गार्डन में वो डाल सकते हो। और आप चाहे तो यूरिया के दाने भी महीने में एक आध बार चार पाँच दाने गमले के हिसाब से डाल सकते हो, ताकि क्या यूरिया भी अच्छा ही होता है प्लांट के लिए। सभी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए हमें, सब्जियाँ लगा रहे हो तो केमिकल खाद का यूज़ मत कीजिए, फूलों वाले पौधों में खाली कर सकते हो, ऑर्नामेंटेड प्लांट में भी आप कर सकते हो केमिकल खाद का इस्तेमाल, उससे क्या है रिज़ल्ट अच्छा मिलता है और आपका प्लांट केमिकल खाद और जो हमारी नेचुरल खाद आती है वो दोनों से मैच हो जाएगा। मतलब कि आप कभी भी ज़रूरत पड़ी खाद डालने की तो आप डालोगे यूरिया या केमिकल वाली, तो प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालते रहना चाहिए। बाकी आपको जो अच्छा लगता है वो खाद आप डाल सकते हो। तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।